हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एनएचडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास यूकेजी का मैथ पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेड ऑफ ए क्लॉक। क्या है हेड ऑफ ए क्लॉक? एक क्लॉक मींस क्या होता है? घड़ी होता है, एक घड़ी के हाथ। ठीक है, क्या है एक घड़ी के हाथ? आज मैं आप लोगों को घड़ी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि कौन सा सुई मिनट बताता है और कौन सा सुई घंटा बताता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्लॉक्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोगों को ब्लैक बोर्ड पे एक क्लॉक बना हुआ है, ठीक है, जिसमें से क्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुई बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी वाली सुई है और एक छोटी वाली सुई है। ये बड़ी वाली जो सुई है वह क्या बताता है, मिनट बताता है, और जो छोटी वाली सुई है वह क्या बताता है, घंटा बताता है। तो आइए देखते हैं ये क्लॉक क्या कह रहा है। आई एम द शॉर्ट हैंड। शॉर्ट मींस क्या होता है, छोटा होता है। आई एम द शॉर्ट हैंड, मैं छोटा हाथ हूँ। ठीक है, मैं छोटा हाथ हूँ। आई मूव स्लो। स्लो मींस क्या होता है, धीमी गति से। आई मूव स्लो, मैं धीमे चलती हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं धीमे चलता हूँ। आई टेल आवर्स, क्या कह रहा है, आई टेल आवर्स, मैं घंटा बताता हूँ। ठीक है, जो छोटे वाला हैंड है, छोटा जो हैंड है वह क्या करता है, धीरे चलता है, बहुत धीमी गति से चलता है, और ये क्या बताता है, घंटा बताता है, आवर को बताता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्या है। आई एम द लॉन्ग हैंड्स, आई मूव फास्ट, आई टेल मिनट्स, मैं लंबा हाथ हूँ। ठीक है, ये जो है कह रहा है कि मैं लंबा हाथ हूँ, मैं फास्ट चलता हूँ, मैं तेजी से चलता हूँ, आई टेल मिनट्स, मैं मिनट्स को बताता हूँ। तो समझ में आया आप लोगों को, जो लंबी सुई है वह मिनट्स बताती है और जो छोटी सुई है वह क्या बताती है, आवर्स को बताती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं द आवर्स हैंड इज एट फाइव। ठीक है, द आवर्स हैंड इज एट फाइव, मतलब जो छोटी वाली सुई है वह कितने पे है, पांच पे है। द मिनट्स हैंड इज एट ट्वेल्व, और जो बड़ी वाली सुई है, जो बड़ा वाला हाथ है वह कहाँ पे है, ट्वेल्व पे है। तो इस तरह से जो टाइम है, द टाइम इज फाइव, मतलब पांच बजे हुए हैं। छोटी वाली सुई फाइव पे है और बड़ी वाली सुई कहाँ पे है, ट्वेल्व पे है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कितना बजा हुआ है, फाइव बजा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को, छोटी वाली जो सुई है वो क्या बताती है, घंटे को बताती है, और जो बड़ी वाली सुई होती है वो क्या बताती है, मिनट्स बताती है। ठीक है, देखिए कि जैसे कि यहाँ पे कितने बजा, कितना बजा हुआ है, पांच बजा हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि छोटी वाली सुई पांच पे है और बड़ी वाली सुई कितने पे है, बारह पे है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहाँ पे बजा हुआ, कितना बजा हुआ है, पांच बजा हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, पांच पांच की गैपिंग होती है। यहाँ पे अगर यह सुई, अगर बड़ी वाली सुई पांच फर्स्ट पे आती है तो कितना, 5:05 हुआ होगा। दो पे आती है तो 10 मिनट, तीन पे आती है तो 15 मिनट, चार पे आती है तो 20 मिनट, पांच पे आती है तो 25 मिनट, और छह पे आती है तो 30 मिनट। इस तरह से 5-5 मिनट का होता है। एक पे आएगी तो 5 मिनट, दो पे आएगी तो 10 मिनट, तीन पे आएगी तो 15 मिनट। कौन सी सुई, बड़ी वाली सुई। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, और एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो जब यह सुई इन सारे को क्या करेगी, पार कर लेगी। अगर यह वाली सुई फर्स्ट को भी पार कर लेगी, दूसरे दो को भी क्या कर लेगी, पार कर लेगी, तीन चार पांच छह सात, इस तरह से अगर पुनः सुई 12 पे आ जाती है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, एक घंटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक घंटा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से कितना, अगर ये घड़ी पांच पे आती है तो कितना मिनट होगा, 5 मिनट होगा। अगर ये घड़ी दो पे आती है तो कितना मिनट होगा, 10 मिनट होगा। अगर यह घड़ी ये सुई तीन पे आती है तो कितना मिनट होगा, 15 मिनट होगा। फिर ये सुई जो चार पे आएगी तो कितना मिनट होता, मिनट होगा, 20 मिनट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगी, एक राउंड कंप्लीट कर लेगी, 60 मिनट कंप्लीट कर लेगी, जिस तरह से क्या हो जाएगा, एक घंटा या एक आवर्स क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि यही जो घड़ी, ये जो सुई है, मान लेते हैं कि यह बड़ी वाली सुई कितने पे है, 6 पे है, और ये छोटी वाली सुई कितने पे है, 5 पे है, तो कितना हो जाएगा आपका,
ठीक है, कितना हो जाए, सॉरी ये छोटी वाली सुई कहाँ पे है, 12 पे है, ठीक है, बड़ी वाली सुई 6 पे है और छोटी वाली सुई 12 पे है, तो आपका टाइम कितना होगा बताइए, आपका टाइम कितना होगा, 12:30 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12:30 होगा या 12:30 होगा, ठीक है, समझ में आप लोगों को, छोटी वाली सुई कहाँ पे आ गई, 12 पे आ गई और बड़ी वाली सुई 6 पे आ गई, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि छोटी वाली सुई क्या बताती है, छोटी वाली सुई घंटे को बताती है और बड़ी वाली सुई मिनट्स को बताती है, इस तरह से हमारा यहाँ पे 12:30 हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पहले यह सुई यहाँ पे गई है तो 5 मिनट हुआ है, फिर 2 पे गई है तो 10 मिनट हुआ है, 3 पे गई है तो 15 मिनट हुआ है, 4 पे गई है तो 20 मिनट हुआ है और 5 पे गई है तो 25 मिनट हुआ है और 6 पे गई है तो कितना मिनट हुआ है, 30 मिनट हुआ है, इस तरह से 12:30 आपका समय हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपकी बड़ी वाली सुई 3 पे है और छोटी वाली सुई कहाँ पे है, 8 पे है, तो कितना बजेगा, छोटी वाली सुई कहाँ पे है, 8 पे है और बड़ी वाली सुई कितना पे है, 3 पे है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो बड़ी वाली सुई है वह मिनट्स बताती है और जो छोटी वाली सुई है वह क्या बताती है, आवर्स को बताती है, घंटे को बताती है, तो छोटी वाली सुई कितना पे है, 8 पे है, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे और देखेंगे कि बड़ी वाली सुई कहाँ पे है, 3 पे है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट होता है, फर्स्ट पे 5 मिनट होता है, 2 पे 10 मिनट होता है और 3 पे कितना मिनट होता है, 15 मिनट होता है, तो इस तरह से हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 8:15, ठीक है, इस तरह से हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 8:15। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, घड़ी को देखना सीख सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को घड़ी का टाइम देखने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सा सुई क्या बताता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, छोटी वाली सुई घंटे को बताती है और बड़ी वाली सुई मिनट्स को बताती है। इस तरह से यदि आपको घड़ी का ज्ञान है तो आप लोग टाइम देखना भी सीख जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और घड़ी का टाइम देखना देखने का भी आप लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, घर पे सीखेंगे, ठीक है, थैंक यू।